इसी से संबंधित ये यहाँ पे प्रश्न है स्वाध्याय में, पेज नंबर 27 में आप लोग देखिए, पेज नंबर 27। और जो भी पीरियोडिक टेस्ट के प्रश्न वो पेपर जाते हैं, कभी भी आप लोगों को जब पीरियोडिक टेस्ट के वर्कशीट जाते हैं तो आप लोग उसको सप्लीमेंट्री में आंसर लिखिएगा। और क्या है कि नाम को पेन से साफ साफ, और अगर रोल नंबर याद है तो रोल नंबर भी, और नाम को साफ साफ अक्षरों में लिखना है। और सभी विषयों के पेपर वर्कशीट के साथ अलग अलग उसको बांधना है, अलग अलग आपको स्टेप्टर करना है सभी विषयों का। जैसे कि क्लास 6 से मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीन विषय गए, तो हिंदी के वर्कशीट को हिंदी के आंसर शीट के साथ स्टेपलर लगाना है, नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। फिर इंग्लिश का अलग वर्कशीट और अलग आंसर पेपर, और उस पर नाम और रोल नंबर स्पष्ट लिख करके और स्टेपलर अलग। सो ऐसे सभी विषयों का मैथ का अलग एक साथ नहीं करना है, इसमें आप लोगों के पेपर इधर उधर हो जाते हैं जब आप करते हो, और आपके मार्क्स उसमें कम आएंगे। अगर एक पेपर इधर से उधर हो गया तो मार्क्स का पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेपर किसका है। तो ऐसे अब सिक्स क्लास में आप लोग आए तो ध्यान से सब समझ के अलग अलग सबको स्टेपलर करना, और नाम और रोल नंबर अगर याद है तो रोल नंबर भी उस पर स्पष्ट लिखना है। क्लियर? तो अभी हम लोग देख रहे हैं फोर्थ चैप्टर का जो स्वाध्याय है, चैप्टर फोर्थ का स्वाध्याय। मैंने उस रोज आप लोगों को बताया था ना गिनती के सब कैसे लिखते हैं हिंदी में, और सर्वनाम के विषय में बताया था। क्या है सर्वनाम? जो भी नाउन, नाउन के बदले में जो हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, मैं, वह, तुम, कहाँ, कब, इस तरह के वर्ड जो हैं ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये सारे शब्दों को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि राम जा रहा है, तो यहाँ पे राम जो है ये नाउन है, नाम जो है ये एक संज्ञा है। संज्ञा शब्द से तो आप लोग परिचित हो, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़ को जब हम इंगित करते हैं, नाम से पुकारते हैं, टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल, राम, श्याम, सीता, गीता, बोतल, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, जो भी बोलते हैं, जगह है, अहमदाबाद, सूरत, तो सारी चीज़ें, दुखी, दुख, सुख, जो हमारे भाव हैं वो भी, उसको भी हमने एक नाम दिया है। तो बस एक शब्द में समझ लो कि कोई भी नाम जो है, अब ये खांचा है, इसके लिए हमने पेंसिल का नाम दिया, ये एक आकृति है, इसको हमने ब्लैक बोर्ड का नाम दिया, मैं हूँ, आपने मुझे टीचर का नाम दिया, आप हो, आप बच्चे हो, आप राम हो, आप श्याम हो, आप जो भी नाम हो, एनी बडी, ये पंखा है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, सबको हमने एक नाम दिया, एक आकार है उसका हमने नाम दिया, ये जगह है, जगह का नाम है, भाव है, हम कभी हंसते हैं तो हंसना, रोना, दुखी होना, दुखी होना, ये सारे नाम हम दिए उसको। अब आप रो रहे हो, हूँ कर रहे हो, तो हमने उसका हंसना नाम नहीं दिया है, हमने रोना नाम दिया है। हाँ हाँ कर रहे हो तो हमने उसको खुश होना नाम दिया है। तो जो भी नाम है, एक शब्द में समझ, एक लाइन में आप लोग समझ जाओ कि किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं, संज्ञा के मीनिंग से जानते हैं, अंडरस्टूड। और संज्ञा के बदले जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं, संज्ञा के बदले जो सही, वहाँ पे जैसे राम जा रहा है तो यहाँ राम संज्ञा है, तो राम की जगह हम प्रयुक्त करेंगे। किसी की नाम को
क्या संज्ञा करते हैं। ये आप लोगों को इजी रहेगा, है ना। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे जैसे नाम जा रहा है। यहाँ संज्ञा क्या है, यहाँ राम संज्ञा है। आपने देखा कि राम संज्ञा है, संज्ञा शब्द है राम। अब यहाँ राम के बदले जो शब्द प्रयुक्त होगा वो सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि राम को हमने बोल दिया पवन, जा रहा है। अब राम नाम का लड़का है जो जा रहा है। अब आप बोल रहे हो कि ये राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो किसी ने बोला वह जा रहा है। अब वो जा बोल रहा है, राम ही जा रहा है, जाने का काम कर रहा है, उसका नाम राम है, लेकिन हमने उसको दिखाकर बोल दिया कि वह जा रहा है। तो वह इससे पता चल गया कि वह कौन है, वो राम है। तो राम की जगह जो हमने शब्द प्रयुक्त किया वह ये हो गया सर्वनाम। समझ गए ये बात मैंने उस लोग बताई थी। अब यहाँ इसलिए मैं फिर से दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ थर्ड नंबर में दिया है कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ सभी सर्वनाम शब्द हैं, उसको कहाँ पे आपको कौन सा वर्ड करना है वो लिखना है। Thank you.
हिंदी को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। जो ऐसा है इसको ऐसे में और जो ऐसा है इसको ऐसे में लिखिए। ये सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है। इसको लिख लो पहले। छप्पन अट्ठासी 75 79 85।
यहाँ पे क्या आएगा, पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है। पुस्तक रुचिकर है, पुस्तक रुचिकर है। रुचिकर का मतलब इंटरेस्टिंग बुक है, ये इसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है। अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे क्या होगा, आगे क्या हुआ, तो उसे बोलते हैं रुचिकर इंटरेस्टिंग बुक। मन लग रहा है, हंसी आ रही है, या कुछ है जिसमें हमारा मन अच्छा लग रहा है पढ़ने में, पुस्तक रुचिकर है। टेक्स मैं भी पढ़ूँ, सभी को बैस बड़ा लाभ का।
गोल गोल के पेंसिल से आप लोग मिलाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वर्ड की, लिखने की, शब्दों की, ठीक है। तो अब ये आज खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग ये देखते हैं, पुनरावर्तनम हमने करवाया था, अगर नहीं करवाया था तो मैं करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अच्छे से लिख लो और इसको लर्न करो। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर जाता है वर्कशीट जो कि पीरियोडिक वर्कशीट है तो उसे सप्लीमेंट्री में लिखना है, और पीरियोडिक हो या सिंपल वर्कशीट हो, आपको सभी विषयों के वर्कशीट और आंसर पेपर को अलग अलग सेपरेटली, जैसे हिंदी का वर्कशीट है तो हिंदी के आंसर पेपर को स्टेपलर करना है, और नाम अच्छे से साफ अक्षरों में, और यदि रोल नंबर याद है तो रोल नंबर भी उसमें लिखना है, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग, ठीक है बेटा। चलो स्वस्थ रहो, घर पे अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो।